हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्ले एंड लर्न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये एक्टिविटीज़ हैं 3 to 5 ईयर्स के किड्स के लिए। आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बिफोर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, सो प्लीज़ इन्वाइट मोर मेम्बर्स एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी फर्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये देखिए, पहले हम जैसे मेनली मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले हम लोग वर्कशीट्स बनाते हैं बच्चों के लिए। तो होता क्या है, कई जो बच्चा एक ही दिन में सारी फिनिश कर लेगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं कि बार बार वो कौन बनाए। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर वो यूज़ किया है, दिस इज़ कॉल्ड वर्कशीट प्रोटेक्टर। मैंने वर्कशीट बना के इस प्रोटेक्टर में डाल दी है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगी। आप बच्चे से पहली जो फर्स्ट एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है, कंप्लीट द इमेज। इसमें क्या करेगा, बच्चे को आप हाफ इमेज बनाकर दे देंगे और बच्चा इस इमेज को कंप्लीट करेगा इस लाइक दिस। ये आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, बट बच्चे के लिए ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्टिव होती हैं और बच्चा इन्हें इंजॉय भी करता है। तो आप प्लीज़ घर पर ट्राई करिएगा। और आप देखिए, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं कि आप इसे रीयूज़ भी कर सकें। आप बच्चे से एक्टिविटीज़ करवा लेंगे और फिर इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम अपनी। देखिए, मैंने यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न यूज़ किया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में। आप बच्चे को अलग कलर दे सकते हैं और बच्चा इसे खुद से ड्रॉ करेगा और बनाने का कोशिश करेगा। आप देखेंगे यहाँ पर्पल है, तो आप बच्चे को पर्पल कलर देंगे और फिर बच्चा उसे खुद बनाएगा, ड्रॉ करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम अपनी। थर्ड एक्टिविटी, मैच अपर केस टू लोअर केस। मे भी हो सकता है ये आपको काफ़ी इजी एक्टिविटी लगे, बट ट्रस्ट मी बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। इस वर्कशीट में मैंने डॉटेड पैटर्न दिए हुए हैं, यू कैन सी, विद लोअर केस प्लस अपर केस। बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी वर्क करती है। देखिए, जैसे कि लेटर ए से बच्चा इसे खुद फाइंड आउट करेगा, ए का ये पैटर्न कहाँ जा रहा है। बच्चा इसे फॉलो करेगा, फोकस करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा कि कहाँ जा रहा है और मुझे कहाँ ले जाकर इसे मैच करना है। आप देख रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत ईजी है, बट बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। और हमें लगता है कि बच्चों को करवाना चाहिए जिससे उनका फोकस हो चीज़ों को लेकर। इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से ही बच्चे का फोकस बनता है, कंसंट्रेशन बच्चे का स्ट्रांग होता है, बच्चा चीज़ों को लेकर कंसंट्रेट करता है। और यही हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो। और नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं अपनी। नेक्स्ट वर्कशीट मैंने बनाई है, देखिए मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ लिख दिया है, 1 से 6 तक के नंबर्स लिख दिए हैं, लेकिन मैंने सब पर अलग कलर से सर्कल बनाया है। तो बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये देखिए सी पे ब्लू है, तो बच्चा सी फाइंड आउट करेगा, तो सी के ऊपर ब्लू कलर से ही कलर करेगा। डी में ग्रीन है, तो हम ग्रीन लेंगे और डी फाइंड आउट करेंगे, डी। ए में हमारा पर्पल कलर है, तो हम पर्पल कलर से इसे सर्कल कर देंगे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे का कंसंट्रेशन है, रिकॉग्निशन है, काफ़ी स्ट्रांग कर देती हैं। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम अपनी। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी रिकॉग्निशन वर्कशीट। इसमें बच्चा क्या है, सारे एरोज़ की डायरेक्शन को जो है पहले इसे क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि कौन सा अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है। बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा एरो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और क्या। और देखिए, अगर जैसे ये अपवर्ड है, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, ब्लू कलर से इस पर सर्कल कर देगा, क्योंकि इस पर ब्लू है, इस पर ऑरेंज है या रेड है, तो इस पर हम डाउनवर्ड पे फाइंड आउट करके ये कर देंगे। अब हमारा ये वाला एरो बच्चा फाइंड आउट करेगा, इस पर ग्रीन है, तो ग्रीन सर्कल कर देंगे। सो ट्रस्ट मी, ये वर्कशीट छोटी छोटी होती हैं, ये ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट होती हैं। हमें बच्चे को, बच्चा कई बार ए बी सी डी करते हुए, ऑब्जेक्ट रिलेट करते हुए बोर हो जाता है,
स्टडी से बोर हो जाता है, तो ये कुछ वर्कशीट्स होती हैं पेरेंट्स जो बच्चों को काफ़ी उनका जो कहते हैं ना फन वे में चीज़ों को सीखना, तो बच्चा उसमें काफ़ी इंजॉय करने लगता है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया है और ये पैटर्न बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग और कंसंट्रेशन में काफ़ी मदद करता है। और मैं कहूँगी जैसे कि मैंने पैटर्न बनाया है, आप कोई इजी पैटर्न ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये 3 to 5 ईयर्स के किड्स के लिए है। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। इसमें बच्चे को क्या करना है, जैसे ये एरो है, सो मेक लाइन, दिस एरो इज सॉरी मेक लाइन एंड दिस एरो इज गोइंग अप, अगेन राइट, डाउन, राइट, अप, राइट, डाउन, राइट। तो इस तरीके को बच्चों को एरो को फॉलो करते हुए ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। आप इस एरो को देखेंगे तो यही पैटर्न बनकर आएगा इसी तरीके से, ऐसे। अब ये एरो इस तरफ जा रहा है तो बच्चा ऐसे ड्रॉ करेगा, फिर इसे ऐसे लेकर आएगा, फिर ऐसे, अगेन। ये देखिए ये पूरा पैटर्न बन गया है। तो इस तरीके की वर्कशीट्स आप बच्चों को बनाकर दीजिए घर पर। और मैंने आपको बार बार बताया है आप ये वर्कशीट प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं और इन्हें बार बार आप यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम अपनी, मैच द स्माइलीज। बच्चों को इमोशंस बताने के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट्स है कि जैसे दिस इज स्माइली, हैप्पी हैप्पी स्माइली हो गई, तो बच्चा फाइंड आउट करेगा कि दूसरी हैप्पी स्माइली कहाँ पर है। और नेक्स्ट ये वाली, बच्चा फिर फाइंड आउट करेगा, आइज़ को देखेगा, फोकस करेगा उसका, वो कंसंट्रेट करेगा इस पर और फाइंड आउट करेगा कि ये कहाँ है, ये इससे मैच कर दी जाएगी। आप इसे अब घर पर बना सकते हैं बच्चों के लिए। मदर्स, आपसे रिक्वेस्ट है स्टार्ट करिए बच्चों के साथ में। बच्चे भी घर पर रहकर बोर हो गए हैं क्योंकि स्कूल अभी जा नहीं सकते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं हम क्यों ना घर पर खुद बना के बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखें स्टडी को लेकर। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम अपनी। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन वर्कशीट है। तो इसमें बच्चे को क्या करना है, जिस तरीके से कलर्स को यहाँ पैटर्न बनाया है उसी तरीके से बच्चे को क्या करना है, वही कलर यूज़ करने हैं और इस इमेज को बनाने को ट्राई करना है। आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए मैंने हट बनाई है, उसमें काफ़ी कलर यूज़ करे हैं। तो जैसे रेड है तो बच्चा रेड लाइन यूज़ करेगा, रेड का स्केच यूज़ करेगा, यहाँ ब्लू स्केच, यहाँ येलो, यहाँ पिंक, तो इस तरीके से बनाएगा बच्चा, ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम अपनी। ये देखिए काफ़ी सिंपल एक्टिविटी लग रही है एडिशन को लेकर, बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें बच्चे जैसे मैंने 1 पे ब्लैक, 2 पे ब्लू, 3 पे स्काई ब्लू, 4 पे रेड, 5 पे ऑरेंज एंड 6 पे ग्रीन कलर बना दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, बच्चा हमारा क्या करेगा, जैसे 2 + 1 को पहले सॉल्व करेगा, 2 + 1 को सॉल्व करके क्या आएगा, 3। तो 3 में कौन सा कलर है, बच्चा पहले यहाँ साइड में सॉल्व कर लेगा, 2 1 1 2 + 1 makes 3। तो 3 में कौन सा कलर आ गया, तो बच्चा इसे ऐसे कलर कर देगा ब्लू कलर से। अगर 4 आएगा तो 4 फाइंड आउट करेंगे, हमारा 4 यहाँ पे जिस भी इसमें 3 + 1 से हमारा 4 आ जाएगा, और 4 में देखेंगे हमारा रेड कलर है, तो हम 3 + 1 को सॉल्व करके बच्चा इस पे रेड कलर से सर्कल कर देगा। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी ट्रेस द पैटर्न। इसमें आपने बच्चों को एयर डॉट्स बना के दे देने, मैंने यहाँ पे 6 डॉट्स ऊपर ऐसे एंड 6 डॉट ऐसे नीचे बनाए हैं, आप भी अपने बच्चों को बनाकर दे दीजिए। और ये देखिए वन टू, वन टू थ्री
अब यहाँ पे बच्चा देखिएगा, ये ऐसे मैच हो रही है। आप देख रहे हैं कि मुझे भी फाइंड आउट करना पड़ा है, तो बच्चा कितना कॉन्सेंट्रेट करेगा इसे बनाने में, जबकि मैंने ये बनाया है और मैं सिर्फ दोबारा से बना रही हूँ आपके सामने। तो देखिए मुझे टाइम लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा डॉट है और मुझे किस तरीके से इसे मैच करना है। सो इस तरीके की वर्कशीट आप बच्चों को बनाकर दीजिए। एंड पेरेंट्स, इफ़ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड इन्वाइट मोर मेम्बर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दीजिए कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।